देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट के बावजूद कई राज्य त्योहारों के मौसम में फिर से संक्रमण की रफ्तार पकड़ने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। दोबारा कोरोना गाइडलाइन जारी की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण में गिरावट के बाद भी केरल समेत कई राज्यों में फिर से कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही है। अब इन राज्यों ने दूसरे राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। अगर आप भी त्योहारों के मौसम में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जान लीजिए कि कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को लाना अनिवार्य कर दिया है। आइए जानते हैं ऐसे सभी राज्यों के बारे में। कर्नाटक। कर्नाटक में केरल और महाराष्ट्र के अलावा किसी भी अन्य राज्य के यात्रियों के लिए किसी भी तरह के कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर जारी RT-PCR परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट जारी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मध्य पूर्व से राज्य में आने वाले यात्रियों को भी बिना कोविड रिपोर्ट आने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र। दूसरे राज्यों के यात्रियों को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले 72 घंटे के अंदर की कोविड टेस्ट की नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है। RT-PCR रिपोर्ट के बिना यात्रियों को उड़ान में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने मुंबई और राज्य के अन्य हवाई अड्डों में उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी नियम कड़े कर दिए हैं और सख्त नियम है कि RT-PCR नकारात्मक परीक्षण 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उन यात्रियों को भी नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले रखी हैं। केरल। केरल सरकार ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के लिए कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने केरल से आने वाले लोगों के लिए नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट और एक कोविड-19 टीकाकरण 2 खुराक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व देशों से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार RT-PCR परीक्षण किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को हटा दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई को घोषणा कर दी थी कि उन्होंने कहा था कि अब कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है और इस वजह से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को हटाया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्य से आने वाले के प्रवेश नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब यात्रियों को कोविड ई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। राज्य में फिर से कड़ाई के साथ कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना नियमों में अब सख्ती बरती जा रही है। यहां पहुंचने वाले यात्रियों को RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा और जब तक परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक होम क्वारंटीन रहना होगा। गुजरात। गुजरात में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किसी भी तरह की कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।